जी नाजिन, हमारे साथ चौधरी सलमान साहब हैं। उन्होंने फैसलाबाद में नौजवानों के लिए एक नई तहरीक शुरू की है जो काबिले फ़ख्र है, क्योंकि नौजवान इस मौजूदा सूरत हाल में महंगाई के दौर में और बहुत बेबस हो गए हैं, जॉब उनको मिलने नहीं। जो सब ये बताएं कि ये आइडिया आप नौजवानों की बेबसी के लिए इस्तेमाल कर रहे देख रहे थे, तो उनको आप बिजनेस स्मॉल बिजनेस में कैसे लेकर आ रहे हैं? मैंने लिखा कि हमारी कंपनी का तौर पर नौजवान जो है यूथ वाले बड़े डिफॉल्ट हो चुके थे ना, जॉब नहीं है उनके पास। और नौजवानों के लिए इतना सारा मसाइल तो मेरे पास भी नहीं है और ना ही हम सपोर्टिंग हैंड हो सकते हैं, लेकिन छोटे लेवल पे हमने बिजनेस स्टार्ट करवाने के लिए कोशिश की है ताकि लोग यूथ स्पेशली बिजनेस की तरफ आए और ताकि अपने लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करने वाले कर सकें। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने मंत्री दान गाँव से और गुजरात से कि मछली ना दें लोग, बल्कि मछली पकड़ना सीखें ताकि लोग अपने बिजनेस में आए और अपने और यूथ को खासतौर पर बिजनेस की तरफ फाइल करें, छोटे छोटे बिजनेस से उन्हें स्टार्ट करवाएं। और मैं भी ये सोचता हूँ कि हमने महदूद लेवल से भी बिजनेस करवाया है तो हमारे लिए भी खुदा वसाइल दे ताकि हम दूसरों के लिए भी इस काम को सर अंजाम देने वाले बने। थैंक यू सो मच जी। और पिछले साल बड़ी मेहनत की, जगह जगह काम किया, काम को सीखा, लेकिन मैंने ये नहीं सोच निकाला कि अगर तरक्की करनी है तो कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, बेचने के बगैर हम तरक्की नहीं कर सकते, किसी के पास जॉब करके कुछ भी नहीं हो सकता हमारा। तो ये फाइनेंशियल अगर सपोर्टिंग ज़्यादा होती तो फिर मैंने वो अपना काम ही करना था, पासपोर्ट का, लेकिन फाइनेंस की वजह से, क्राइसिस की वजह से मुझे ये छोटा सा बिजनेस किया, आज छोटा है, कल को खुदा करे ये बड़ा भी होगा। अच्छा, यूथ को, एमसी यूथ को, यंग यूथ को जो है आप क्या मैसेज देना चाहते हैं बिजनेस के हवाले से? मैं यही कहता हूँ कि जॉब को छोड़नी चाहिए और बिजनेस करना चाहिए। अगर हम तरक्की चाहते हैं तो बिजनेस कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा, क्योंकि अगर बेचेंगे नहीं तो फिर पूरी जिंदगी जॉब ही करेंगे। जो आप सेल चीज़ें कर रहे हैं तो अभी आपको उसमें कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं। आज मेरा पहला दिन था, अच्छा गुजर रहा है मेरा, बस शुक्र है खुदा का।